करना है तो शंकर भगवान से कहा कुछ भी करो ये महिषासुर स्त्री से मरेगा। तो भगवान शंकर ने कहा लक्ष्मी जी को भेज दो मार देगी। सब भगवान विष्णु बोले रेन दो दादा ऊ में इतनी दम नहीं है कि मार दे। तुम फिर कहा ब्रह्मा जी से बोलो ब्रह्माणी को भेज दे, ब्रह्माणी भी नहीं मार सकती तो कि इसको तो एक ही मार सकती हो पार्वती जी, बस उनको गुस्सा आना चाहिए। शंकर भगवान बोले उनके तो कभी गुस्सा ही नहीं आया, उसको कभी गुस्सा नहीं आता। तो भगवान विष्णु बोले कैसे नहीं आएगा, तुम एक काम करो उनके बाप को बखानो, किसी नारी के अगर पिताजी को बखानते तो गुस्सा आता। शंकर भगवान बोले प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। अंदर गए तो भगवान शंकर भोजन करते करते बोले पार्वती सही में तेरे पिताजी जैसा कंजूस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, तेरे बाप में रत्ती भर की अकल नहीं। पार्वती ने पूछा रोटी बनाते बनाते क्यों मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। अरे तेरे बाप के पास में हिमालय राज था, कितनी दौलत थी, एक समान नहीं दिया, लड़की विदा कर दी। पार्वती जी बोली मेरा बाप तो खूब दे देता, तुम्हारे घर में रखने की जगह थी। शंकर भगवान चुपचाप बाहर निकल गए, हर हर महादेव। जैसे शिव जी बाहर आए तो भगवान विष्णु ने पूछा क्यों गुस्सा आया क्या, कि बिल्कुल नहीं आया, वो तो मेरे बाप तक पहुंच गई, बोलू ही नहीं। भगवान विष्णु ने कहा एक बार फिर प्रयास करो, अब तुम जो सती जली थी ना उसका अंदाजा ठीक है। भगवान विष्णु शंकर भगवान फिर पहुंच गए। पार्वती जी बोली बोलो महाराज। अरे पार्वती तेरा तो कोई सही में तेरे मायके में तेरी कोई इज्जत ही नहीं थी, बता यज्ञ में तू गई और तेरे पिता ने तुझसे सही व्यवहार नहीं करा, तेरी माता ने व्यवहार नहीं करा, भाइयों ने नहीं करा, आखिर में तुझे जलना पड़ा। पार्वती जी बोली ये सब तुम्हारे कारण हुआ, अगर तुम मेरे साथ चलते तो मेरे बाप में दम नहीं थी कि मेरे से कुछ बोल देता। शंकर भगवान बोले फिर आ गई मेरे बाप पे, मैं तो वापस कर सब शिव जी वापस नहीं कर। भगवान विष्णु ने पूछा कुछ हुआ कि कहीं नहीं हो दादा, रहने दो तुम तो गुस्सा मुस्सा सब जाने दो। भगवान विष्णु ने कहा जरूर कुछ होगा। इतने में पार्वती जी बाहर आई कुछ सामान रखने के लिए, और महिषासुर जा रहा था भैंसे पर बैठकर, और महिषासुर ने जो जगदम्बा को देखा देखकर कहा अरियो सुंदरी मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं, और माता के केश खुल गए, क्रोध के नेत्र हो गए माँ के, और माँ ठहाका लगाकर हंसी अरे ओ महिषासुर तुम मुझे बनाना चाहता। अब अंदर गुस्सा तो आई देगा पार्वती को, भले बोली नहीं तो क्या हुआ, पर बाहर दिख गया और माता को क्रोध आया और सारे देवता दुंदुभी बजाने लगे, और तेरे भक्त जनों पर माता पीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सो सिंहो से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुखड़े नी वार, ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे गुण गाए। माता सिंह को बुलाई शेर पर चढ़ गई, और शेर पर चढ़कर जगदम्बा ने कहा मैं टूट पड़ू इस पर, तू भैंसे पर चढ़ना मैं इसकी छाती पर चढ़ूंगी, और माँ सिंह पर चढ़कर पांव दोनों माता के एक सिंह के गर्दन पर था तो दूसरा पीठ पर था, और शेर दौड़ा और दौड़ते से शेर भैंसे पर कूदा, और माँ ने उठाया त्रिशूल और महिषासुर की छाती पर मारकर उछली। शंकर भगवान ने हाथों पर जगदम्बा को झेल लिया, महिषासुर के प्राण छूट गए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे गुण गाए, ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती। माता ने महिषासुर का संहार करा, माँ का नाम महिषासुर मर्दनी हो गया। शिव प्रसन्न हो गए, शंकर कहे ए जगदम्बा जगत में तेरी पूजन नित्य हो, भाव व्यक्त कर दो। बड़ी मुश्किल से मरा महिषासुर चले गए।